सुप्रभात, मेरा नाम है लविशा। मैं कक्षा पहली ब की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने आलू के बारे में कुछ लाइनें सुनाने जा रही हूँ। आलू भूरे रंग का होता है। आलू जमीन के अंदर उगता है। आलू में भरपूर मात्रा और स्टार्च होते हैं। आलू में विटामिन और पोटेशियम होते हैं। आलू से भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। वेरी गुड। अमरूद हरे और पीले रंग का होता है। अमरूद मेरा मनपसंद फल है। अमरूद में छोटी छोटी बीजें होती हैं। अमरूद मीठा होता है। अमरूद पेड़ पर उगता है। बैंगन एक सब्जी है। बैंगन बैंगनी व हरे रंग का होता है। बैंगन ज्यादातर भारत में पाया जाता है। बैंगन यह आकार में लंबा व गोल होता है। यह फाइबर व कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। धन्यवाद। अनार एक फल है। इसका रंग लाल है। अनार एक बीजों वाला फल है। इसका जूस बनता है। मुझे जूस पसंद है। खून बढ़ता है। वेरी गुड। विटामिन होता है। केला एक फल है। पका केला पीले रंग का होता है। और कच्चे केले से क्या होता है? कच्चे केले से सब्जी बनाई जाती है। इसका स्वाद मीठा होता है। मेरा नाम सेब है। मैं लाल रंग का हूँ। मुझे सेब खाने से विटामिन आता है और ताकत बढ़ती है और खून बढ़ता है। सेब की खेती होती है श्रीनगर और हिमाचल प्रदेश में। धन्यवाद। वेरी गुड। आम बहुत रसीला होता है। आम की एक मोटी पतली होती है। आम पेड़ पर उगता है। आम एक फल होता है। आम के दो रंग होते हैं, पीला और हरा। तोता एक सामाजिक मिलनसार पक्षी है। तोते को संगीत बहुत पसंद होता है। तोता एक ऐसा पक्षी है जो भोजन को अपने पैरों से भी पकड़कर इंसानों की तरह खाता है। तोता एक पालतू पक्षी है। धन्यवाद। वेरी गुड। उल्लू एक जंगली जानवर है। वह सिर्फ रात को ही दिखाई देता है। उसको सिर्फ रात को दिखाई देता है। बस ओके। स्ट्रॉबेरी। यस। क्या है आपके हाथ में? स्ट्रॉबेरी। अच्छा, आप स्ट्रॉबेरी के बारे में बोलना चाह रहे हो? ओके, बोलिए। स्ट्रॉबेरी हरे और लाल रंग की होती है। स्ट्रॉबेरी को खाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। स्ट्रॉबेरी का जूस पीने में मुझे बहुत आनंद आता है। स्ट्रॉबेरी हरे और लाल रंग की होती है। बेटा, हरे कब होती है स्ट्रॉबेरी? तब वो पक जाती है। जब पक जाती है तो लाल हो जाती है और जब कच्ची होती है तो हरे रंग की होती है। ओके, वेरी गुड। तोता एक सुंदर पक्षी है। इसे मिर्च खाना बहुत पसंद है। इसकी पंख हरे रंग की होती है। तोता एक शाकाहारी पक्षी है। इसकी चोंच हरे लाल रंग की होती है। धन्यवाद। क्या आपके तोते की चोंच लाल रंग की है? देखो जरा। यस, वेरी गुड। यस। अंगूर बहुत मीठा होता है। अंगूर में विटामिन ए और सी होता है। अंगूर मुझको बहुत पसंद होता है। अच्छा, कौन से रंगों में पाए जाते हैं अंगूर? अंगूर कौन कौन से रंग में होता है? हरे और बैंगनी रंग में होता है। आपके हाथ में कौन से कलर का है? बैंगनी। वेरी गुड। बहुत ही सुंदर बनाया है आपने अंगूर। वेरी गुड। मैं हूँ कैरेट। मेरा कलर है। मैं हूँ कैरेट।
मुझे को बहुत पसंद है गाजर। गाजर संतरे रंग का होता है, इसमें विटामिन ए हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसे खाने में हमें शक्ति मिलती है। धन्यवाद। तोता बहुत सुंदर होता है। तोते की चोंच लाल रंग की होती है, तोता हरा रंग का होता है। तोता उड़ता है, तोते को पाते हैं। अच्छा, आपको यहाँ पे तोते की आवाज़ आ रही है? किधर से आ रही है? उस साइड से आ रही है। अच्छा, तोता कैसे बोलता है, बोलकर सुनाओ मुझे एक बार। कौन बोलकर सुनाएगा? अच्छा, इस साइड से बच्चे सुनाएंगे। हाँ हाँ, सारे बोलो, एक साथ बोलो। ऐसे बोलता है। अच्छा चलो, ठीक है। आम भारत का राष्ट्रफल है, आम फलों का राजा है। आम में एक बड़ी गुठली होती है। आम में एक बड़ी गुठली होती है। आम बहुत रसीला होता है। आम की चटनी बनती है। आम का अचार भी बनता है। धन्यवाद। टमाटर लाल कलर का होता है। टमाटर की चटनी बनती है। टमाटर में लाल छोटे छोटे बीज होते हैं और टमाटर की चटनी बनती है। वेरी गुड। आम गर्मी में आता है। आम पेड़ पे लगता है। आम हर पूरी दुनिया में पाया जाता है। आम दो रंग का होता है, पीला और हरा। क्या आपने लाल रंग का आम देखा है? हाँ, तो लाल भी हो सकता है। ठीक है, ओके। मैं सेब लाल रंग का होता है। सेब की पत्तियाँ हरी हरी। अच्छा, कुछ सेब कच्चा जो होता है वो हरे रंग का भी तो होता है ना? हाँ ठीक है, सेब हरे रंग का भी होता है। सेब मुझे बहुत अच्छा लगता है। सेब का जूस पीना है, बहुत आनंद आता है। धन्यवाद। अच्छा, सेब से कौन सा विटामिन मिलता है? इधर बच्चे कौन से बताएंगे कि सेब से कौन सा विटामिन हमें मिलता है? ए! कौन सा विटामिन? ए! जो कि आंखों के लिए फायदेमंद होता है या नहीं? होता है। अच्छा, सेब के ऊपर एक नारा है, कौन बताएगा? हाँ बताओ। डेली एक सेब खाओ, बीमारी दूर भगाओ। सारे बोलो मेरे साथ एक बार। डेली एक सेब खाओ, बीमारी दूर भगाओ।